गाइस हर हर महादेव, आपकी डिलीवरी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या फिर जनवरी में होने वाली है। तो फिर आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये ठंड वाले महीने होते हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो फिर इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे कि कम दर्द कम पुश में आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है सक्सेसफुल कैसे हो सकती है। गर्मियों में अगर थी तो मैंने बहुत सारे टिप्स बताए थे, अब सर्दियों की बारी आ गई है, सर्दियों में भी आपको बहुत सारे टिप्स बताऊंगे जिससे आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है बहुत अच्छी तरीके से हो सके। अंत तक बने रहिएगा, मैं बहुत अच्छा चीज़ से बताऊंगी आपके हेल्प के लिए। हाय गाइस, मैं हूं प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड हेल्थ टिप में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आप अच्छे बीत रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर्दियों में मदर्स को ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्दियाँ चल रही है तो सर्दी खांसी की समस्या हो जाती है। सर्दी खांसी की समस्या हो जाती है ना, तो आप इस टाइम पे दवाइयाँ नहीं ले सकते, कोई अलग से मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसके वजह से बच्चे को भी तकलीफ़ हो सकती है आपके सर्दी खांसी की वजह से। इसलिए आप है ना, बाहर का जो तला भुना खाना है या फिर आइसक्रीम जो खा रही है वो बंद कर दीजिए। प्लस नॉर्मल ना गरम गुनगुना पानी पीजिए, टैप वाटर पानी बंद कर दीजिए। अब भी थोड़ी सी गर्मी शुरू है तो इस वजह से आप है ना पी सकते हैं टैप वाटर, पर जैसे थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ शुरू हो जाएगी ना तो गुनगुना पानी ही पीजिएगा। पता चले कि आपका जो बच्चे का वज़न है ना वो सही नहीं जा रहा है तो आप है ना डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। इनफैक्ट आप है ना दो बनाना रोज खाए दूध के साथ, इससे है ना आपके बच्चे का वज़न बढ़ जाएगा। अगर आपको शुगर की तकलीफ़ है तो पल्सेस, डेयरी प्रोडक्ट्स ये सभी खाए, बनाना का कम ही खाए। इसके अलावा आपके शरीर में जो आयरन की कमी ना होने दे। अगर आपका आयरन जो है 6-7 या फिर 9 है तो इससे आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो अफेक्ट हो सकती है। आपको चुकंदर, अनार, गाजर, टमाटर जैसे चीज़ें का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, इसमें ना आयरन की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, अगले महीने से सर्दियाँ शुरू हो जाएगी और जो गाजर है उसकी क्वालिटी भी अच्छी आएगी, जिसमें खून की मात्रा जो है HB की मात्रा बढ़ाने वाले चीज़ें ज़्यादा होगी इसमें, तो वो उसका ज़रूर सेवन कीजिएगा। आपको BP, स्ट्रेस या फिर डायबिटीज़ जैसी समस्या नहीं लानी है जिससे आपके नॉर्मल डिलीवरी में अफेक्ट हो। इसके अलावा अपने एक्टिव रहिए, वॉक कीजिए, और 8वें-9वें महीने में स्पेशली वॉक करना चाहिए। इसमें आपको जो इम्यून सिस्टम है वीक हो जाता है, जिससे थोड़े हल्के फुल्के एक्सरसाइज या फिर वॉक करने से इम्यून सिस्टम जो है अच्छा बिल्ड होता है। अलावा अगर आप इन महीनों में हैं तो अपने वजाइना का ना अच्छी तरीके से ध्यान रखें ताकि वहाँ पर बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए, जिससे ना आपका नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। और बहुत अच्छी मात्रा में अपने आप को हाइड्रेट रखिए जिससे आपका जो पानी है गर्म में वो कम ना हो जाए। तो 8वें-9वें महीने में ना महिलाओं में देखा गया है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम हो जाता है, इसके वजह से बच्चे कि जो नॉर्मल डिलीवरी है वो नहीं हो पाती, बच्चे तक सही न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि अच्छे तरीके से हाइड्रेटेड रहे, जिससे ना आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रहे। अगर फ्रेंड्स आपको है ना अपने योनि मार्ग से पानी का रिसाव दिख रहा है इस दौरान, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, और बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो भी डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। इस दौरान आपको स्ट्रेस लेवल कम रखना है, प्लस आपको हल्के फुल्के एक्सरसाइज कीजिए, इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल कीजिए, और पोछा झाड़ू पोछा लगाइए, बटरफ्लाई कीजिए, और स्ट्रेस थोड़ा थोड़ा चलिएगा तो इससे आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो हो जाएगी। एक और फ्रेंड क्वेश्चन आया था कि आप नारियल पानी पी सकते हैं क्या। फ्रेंड्स यस, आप है ना इस दौरान नारियल पानी बहुत अच्छी तरीके से पी सकते हैं, इससे आपका जो हाइड्रेशन लेवल है वो भी मेंटेन रहेगा, प्लस आपको है ना बच्चे को भी अच्छा न्यूट्रिशन जाएगा। सर्दियाँ चल रही है तो इस दौरान आपको थोड़ा सा गर्माहट चाहिए, इसलिए ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कीजिए, केसर दूध, हल्दी दूध या फिर खजूर दूध का भी इस्तेमाल कर सकती है, इससे आपके शरीर में हल्का गर्माहट महसूस होगा, प्लस आपको अच्छी न्यूट्रिशन भी जाएगी।
ड्राई फ्रूट भिगा के खाते हो तो फिर नवंबर दिसंबर में भिगा के खाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इससे अच्छी गर्मियाहट मिलेगी जो आपके शरीर को चाहिए। आपकी नॉर्मल डिलीवरी ज़रूर होगी। आज का जो वीडियो है यहीं तक था, होप सो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेशन जो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं प्रिय प्रिंस, यहाँ तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद। चलिए बाय फ्रेंड्स, यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसका मतलब कि आपको वीडियो जो है बहुत ही पसंद आया रहेगा, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लस यहाँ पर मेरे बहुत सारे वीडियोस फ्लैश हो रहे हैं जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स हैं, तो उस पर भी विजिट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।